और पूरे अपर बॉडी को ट्रेन करता है। इसमें बाइसेप, ट्राइसेप, बैक, चेस्ट सभी ट्रेन होता है, ऑल ओवर बॉडी को मेंटेन करता है। इसमें आपका स्ट्रेंथ, स्टेमिना, सेक्सुअल पावर, अपर बॉडी से लेकर के लोअर बॉडी तक इसका इफेक्ट डालता है। यहाँ पर मूव कर देना है और नीचे ले जाते वक्त यहाँ पर मूव करना है, और जितना भी आपका फैट है ना, बेकार चर्बी है, वो बहुत जल्दी खत्म होगा। तो आप इस फुल बॉडी वर्कआउट को कंप्लीट करके अपने शरीर को स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त रख सकते हैं। फुल बॉडी वर्कआउट के लिए मात्र 20 से 25 मिनट में आप पूरे बॉडी पार्ट को अच्छा से ट्रेन कर सकते हैं, और इससे आप स्ट्रेंथ, स्टेमिना और मसल को मेंटेन रख सकते हैं। तो बॉडी पार्ट को ट्रेन करने से पहले हम लोग स्ट्रेचिंग और वार्म अप करेंगे। तो स्ट्रेचिंग आप इस तरह से कर सकते हैं, आप पूरे बॉडी को मूव करके या इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद में हम लोग जंपिंग जैक करेंगे, वार्म अप। ओके, तो आप जंपिंग जैक में इस तरह से कर सकते हैं, ऐसे, और ये नहीं तो आप एक जगह पे खड़ा होकर के रनिंग भी कर सकते हैं, ऐसे इस तरह से। तो आप थोड़ा फास्ट, इतना फास्ट ताकि आपका बॉडी पूरा हीट कर जाए। इसको 2 से 5 मिनट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग करते हैं स्क्वाट्स। तो स्क्वाट्स के लिए आ जाओ, बारबल से भी कर सकते हैं, एक ईंट उठा के भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, तो ज़्यादा बेटर है अभी ऐसे ही कीजिए, ठीक है। तो आप कहीं भी स्क्वाट कर सकते हैं। दोस्तों आपको ध्यान देना होगा कि जब भी आप स्क्वाट कर रहे हैं तो आपका पैर थोड़ा सा वाइड होना चाहिए, ठीक है। अब जाकर इसको ऐसे अप्लाई कीजिए, ज़्यादा तेजी में नहीं, आराम से फील करके, और जो कमर है इतना नीचे आना चाहिए, ऐसे इस तरह से। हाँ, एक बात और है, जो घुटना है आपका वो ऐसे नहीं मुड़ना चाहिए, आगे की ओर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर इस तरह से स्टेबल स्टेबल रहेगा तो आपका थाई, हिप्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और ये बॉडी के लिए बेस है। अगर आप ये एक्सरसाइज रोज करते हैं तो आपका स्टेमिना, स्ट्रेंथ और बहुत ज़्यादा एनर्जी आएगी शरीर में, ठीक है दोस्तों। तो इसको करना बहुत ज़रूरी है, और जब भी आप उठक बैठक कर रहे हैं, स्क्वाट कर रहे हैं, तो आप ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका पोजीशन ऐसे ही हो, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जो दंड बैठक होता है ना, आराम से इस तरह से भी कर सकते हैं, ऐसे, ठीक है। तो आप कैसे भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों थर्ड एक्सरसाइज है पुशअप। पुशअप एक ऐसा एक्सरसाइज है जो कि रोज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह ऑल ओवर बॉडी को मेंटेन करता है। इसमें आपका स्ट्रेंथ, स्टेमिना, सेक्सुअल पावर और पूरे अपर बॉडी को ट्रेन करता है। इसमें बाइसेप, ट्राइसेप, बैक, चेस्ट सभी ट्रेन होता है। तो दोस्तों पुशअप करने के लिए सबसे पहले आप इस स्थिति में, चलो आ जाओ, ऐसे हो जाना है, इस तरह से सीधे, इस तरह से कमर को एकदम लॉक करेंगे, ऐसे ढीला नहीं छोड़ेंगे और ना ज़्यादा अप करेंगे, ठीक है। हाथ को चेस्ट के साइज में ही रखेंगे, ज़्यादा वाइड नहीं और ज़्यादा क्लोज भी नहीं, थोड़ा इतना। अब जब हम लोग पुशअप करेंगे तो एल्बो जो है ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है, इसको अंदर की ओर इस तरह से परफॉर्म करना है दोस्तों। तो चलो लगाओ, ऐसे इसमें आपका खिंचाव बनेगा, जब आगे की ओर सिर रखिएगा तो इसमें आपका खिंचाव होगा, तो आपका जो एप्स है ना, एप्स पे भी बहुत ज़्यादा जोर पड़ेगा। तो ऑल ओवर अपर बॉडी से लेकर के लोअर बॉडी तक इसका इफेक्ट डालता है, ठीक है दोस्तों। फोर्थ एक्सरसाइज करते हैं हम लोग ट्राइसेप, इसके बाद में करेंगे बाइसेप। तो अभी ट्राइसेप को इसलिए करेंगे क्योंकि ट्राइसेप बाइसेप से बड़ा मसल है। तो अभी हम लोग डंबल से अप्लाई करेंगे, तो डंबल उठा लो, आप चाहें तो ईट से भी पूरे अच्छा से अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से पकड़ लेना होगा, एल्बो लॉक करके और शोल्डर लॉक, आप पूरा बॉडी को स्टेबल आप इस तरह से परफॉर्म करना है आपको, करो। इसमें क्या होगा दोस्तों कि आपका ट्राइसेप पे बहुत ज़्यादा ओवरलोड आएगा, और ट्राइसेप जब बहुत जल्दी बिल्ड भी होगा। तो अब जब आप इसको कीजिएगा डेली बेस पे, तो आपका आर्म्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा। इसके साथ में दोस्तों ट्राइसेप के लिए आप डायमंड पुशअप लगा सकते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो आपको ऐसे डायमंड बना लेना है हाथ से, इस तरह से आपको पोस्चर बना करके, अब पूरा सीधा और बॉडी को पूरा स्ट्रेट, अब इस तरह से परफॉर्म करना है। चेस्ट को हैंड में टच होना चाहिए। अगर आपसे ये नहीं हो रहा है तो ट्राइसेप का एक्सरसाइज
अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब एक एक्सरसाइज और है ट्राइसेप के लिए, आप साथ में तीनों एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आप कहीं ऊंचे जगह पे या बेंच के सपोर्ट से आप इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, ये भी ट्राइसेप के लिए है। तो इस तरह से पैर को इस तरह से कीजिए, अब पूरे बॉडी को नीचे लाना है एकदम स्ट्रेच करते हुए। ये भी ट्राइसेप के लिए बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है, जो कि आप जब एडवांस कीजिएगा ट्राइसेप का एक्सरसाइज, तो आपका ट्राइसेप बहुत जल्दी ट्रेंड होगा और बहुत ज़्यादा ट्रेंड होगा। तो आप इसके बाद में बहुत एडवांस कर सकते हैं। अगर आपसे ये सब नहीं हो रहा है तो आप ट्राइसेप के लिए कोई एक्सरसाइज नहीं लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 5 एक्सरसाइज दोस्तों हम लोग बाइसेप के लिए करेंगे। तो बाइसेप के लिए सबसे पहले हम लोग बारबेल लेंगे। तो आप लाइट वेट या थोड़ा मीडियम वेट ले सकते हैं। तो आपको इस तरह से परफॉर्म करना है बाइसेप के लिए बारबेल कर्ल। ओके, इस तरह से आप इसका 15 से 20 रेप्स कर सकते हैं या 30 रेप्स भी कर सकते हैं। मैं आपको जितना भी एक्सरसाइज बता रहा हूं सिर्फ एक ही सेट करना है, चाहे रेप्स बहुत लास्ट तक जाइए, 20 के जगह पे 30 लगाइए, 15 के जगह पे 25 लगाइए। ठीक है दोस्तों, बाइसेप के लिए दूसरा एक्सरसाइज दोस्तों डंबल अल्टरनेट बाइसेप कर्ल। ओके, तो हम लोग बाइसेप के लिए इस तरह से डंबल से परफॉर्म करेंगे। आप ईट से भी कर सकते हैं, ऐसे सीधा खड़ा होकर के, अब ऐसे यहाँ पर मूव कर देना है और नीचे ले जाते वक्त यहाँ पर मूव करना है और पूरा स्क्वीज करके चेस्ट अप, अब इस तरह से। इसमें क्या होगा दोस्तों कि आपका फोर आर्म में भी बहुत ट्रेंड होगा ऐसे। तो इसमें जब आप कीजिएगा, हम लोग ट्राइसेप किए और बाइसेप, तो बाइसेप जब यहाँ पर ऐसे लगा रहे हैं तो फोर आर्म में भी ट्रेंड हो रहा है। तो ये ट्राइसेप ट्रेंड हो गया, बाइसेप ट्रेंड हो गया और बाइसेप के साथ में फोर आर्म में भी ट्रेंड हो रहा है। तो ऑल ओवर पूरा आर्म में ट्रेंड हो रहा है और बॉडी के लिए अट्रैक्टिव लुक पूरे आर्म से ही बहुत अच्छा दिखता है। 6 नंबर एक्सरसाइज दोस्तों हम लोग शोल्डर के लिए करेंगे, पिक पुशअप। ओके, तो आपको इस तरह से ऐसे पोजिशन ले लेना है। अब चलो लगाओ, जब इसको कीजिएगा तो आपका शोल्डर ना बहुत ट्रेंड होगा आगे एक्सरसाइज करने के लिए। ठीक है, तो आप जैसे नॉर्मल पुशअप लगाते हैं तो बस उसी के जैसा, जैसे आप नॉर्मल ऐसे पुशअप लगाते हैं ना, बस उसी को इस तरह से कर लेना है ऐसे, इस तरह से। अब इसमें आपका शोल्डर पे बहुत ज्यादा पूरा शोल्डर ट्रेंड होगा इस तरह से। ओके दोस्तों, शोल्डर के लिए सेकेंड एक्सरसाइज लिटरल रेस। तो हम लोग लिटरल रेस डंबल से करेंगे इस तरह से। अब डंबल को ऐसे इस तरह से परफॉर्म करना है। इसमें क्या होगा दोस्तों कि जब आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म कीजिएगा तो आपका शोल्डर पे बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन आएगा, बहुत ज़्यादा ओवरलोड पड़ेगा और आपका शोल्डर बहुत जल्दी ट्रेंड होगा और बहुत ज़्यादा बिल्ड होगा। 7 एक्सरसाइज दोस्तों एब्स के लिए 3x4 सीट अप। ओके, तो हम लोग इस तरह से लेट जाएंगे। चलो अब इस तरह से परफॉर्म करना है, पैर को यहाँ तक, हाथ को सिर के पास ऐसे रखेंगे, अब इस तरह से परफॉर्म करना है। आप चाहें तो किसी से सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पैर को, कोई अगर पैर पकड़ सकता है तो उससे सपोर्ट आप ले सकते हैं। एब्स के लिए दूसरा एक्सरसाइज दोस्तों इस तरह से हम लोग हाथ को पीछे रखेंगे सपोर्ट, अब बॉडी को इस तरह से झुकाव लेंगे पीछे की ओर और पैर को ऐसे, अब इस तरह से परफॉर्म करना है। पूरा आगे टच होना चाहिए यहाँ पे ऐसे, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप इजीली कर पाइएगा, लेकिन जब आप इसका रैप्स लगाइएगा ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर हीट करेगा, बहुत ओवरलोड आएगा और जितना भी आपका फैट है ना, बेकार चर्बी है, वो बहुत जल्दी ख़त्म होगा। तो आप इस फुल बॉडी वर्कआउट को कंप्लीट करके अपने शरीर को स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त रख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।